आपका पैसा कम पड़ेगा, आप आई क्वाड्रेंट बी क्वाड्रेंट में कैसे आओगे, कंज्यूमर्स बढ़ा गया। इधर कौन कंज्यूमर है? आपका बॉस एक ही कंज्यूमर है। आपका कंज्यूमर कितना है? एक है। इधर आपका कंज्यूमर कितना है? लगभग से चलो 25 से 50 होंगे, 100 जाएंगे, लेकिन इनका कंज्यूमर कितना है? अनलिमिटेड, बराबर है। जितना कंज्यूमर बढ़ेगा उतना आपका इनकम बढ़ेगा। अभी ये साइड का मजा देखो कि इधर रिस्क तो है, रिस्क है, लेकिन राइट साइड कैसे राइट है देखिए। आज बेड़ेकर जो वही गली में मसाला बेचा करते थे, उनकी खुद की मर्सिडीज है, उनकी खुद की बीएमडब्ल्यू चलती है, और जो दूसरे मसाले वाले हैं उनका नाम मदन मसाले वाले, जो बहुत अच्छा सा मसाला बनाते, लेकिन उन्होंने फ्रेंचाइजी नहीं की, वो एक ही जगह पे। आज भी उनका मसाला बहुत बढ़िया है, कभी आप जाओगे ना तो दोनों मसाले टेस्ट कर दीजिए, दोनों मसाले बहुत है, लेकिन आज जो संपत्ति बनाई वो फ्रेंचाइजी कंज्यूमर ने। कंज्यूमर फ्रेंचाइजी में जब आप जाते हो तब संपत्ति बनती है। आज मदन मसाले वाले के पास भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जितनी बढ़िया प्रॉपर्टी, आज देखो मैं कांदिवली में खड़ी हूँ, लेकिन मदन मसाले वाले को आप जानते हो? नहीं जानते। बेड़ेकर नाम बोला तो आप बोले हाँ कर सकते, बराबर है। तो आपको आपका कंज्यूमर रेंज बढ़ाना है तो क्या करना है? कंज्यूमर फ्रेंचाइजिंग को समझना। पूरे जग भर में जो पॉपुलेशन है, कितना बड़ा पॉपुलेशन है, यूएसए का पॉपुलेशन है, उससे भी कई गुना ज्यादा उनका कंज्यूमर फ्रेंचाइजी है। और जो आज भारत में हम बैठे हैं, तो हमारा पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़ 132 से 135 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन में हमारा फ्रेंचाइजी कितना है? सिर्फ 7 करोड़। कितना है? 7 करोड़। मतलब हम आज उसको हाथ भी नहीं लगाए। और ये जो मैं कह रही हूँ, ये किस चीज के लिए कह रही हूँ, बस लेफ्ट साइड और राइट साइड का फर्क समझिएगा। जब आप कंज्यूमर फ्रेंचाइजी निकालते हो तो विश्वास रहता है उसमें, एक समाधान रहता है, जिधर उधर परफॉर्म किया है यहाँ पे भी वो परफॉर्मेंस हमको मिलेगा। हम वो ही चीज चाहते हैं कि वहां पे जैसे कंज्यूमर बढ़े हैं तो यहाँ पे भी हमारे कंज्यूमर उतने बढ़ते जाए, है ना, हमारे कंज्यूमर्स उतने बढ़ते जाए। और ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी क्यों लेना है, आपको कंज्यूमर फ्रेंचाइजी क्यों लेना है? आपने कहा था फुल हो जाएगा। इधर मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर हमारे हीरो हीरोइंस है, और फिर हम है। ये जो पूरा नेटवर्क है, हम क्या करते हैं इसमें, ये जो चेन है इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा हमारा लॉस इसमें ही हो जाता है। जब हम मैन्युफैक्चर की वहां से 2 रुपए की चीज बनाते हैं, इसको 4, 5, 6 फिर हीरो हीरोइन अपने लाइफस्टाइल से इधर हमको आने तक वो 15 रुपए की हो जाती है, 10 से 12 से 15 रुपए की हो जाती है। इसमें लॉस किसका है मुझे देखिए, किसका है? आप लोगों का। और किसका है? और किसका है? जो मैन्युफैक्चर है, बिकॉज ही इज टेकिंग द मेजर। ये बहुत इधर तकलीफ ले रहा है, इसीलिए होता है ना, किसान इतनी अच्छी खासी खेती बना रहे, लेकिन हम हमारे पास आते वक्त वो पैसा इतना बढ़ जाता है लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है। ये सेम चीज है, इसमें सबसे ज्यादा जो लेता है ना ये है, ये अपने लाइफस्टाइल की वजह से लेता है, और जीवन शैली उसकी है ना, हम हमको अट्रैक्ट कर दी। अभी बहुत सारे ड्रिंक्स आएंगे, गर्मी कूल को ये पियो वो पियो, सच्ची वो पीते हो गए क्या? ये न्यूट्रिशन लो, वो न्यूट्रिशन लो, आपको लगता है ये पीते होंगे? वो नहीं पीते, लेकिन उनको देख के सब लाइफ स्टाइल है, उनको देखने को हमको अच्छा लगता है, वो जो करते हैं वो देखने को अच्छा लगता है, हमको लगता है वो हम करेंगे तो शायद हम उनकी पूरी तरह हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो हमारा सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे होता है। लेकिन ये चीज में जो ये आपका चेन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, हीरो टू कंज्यूमर, इसमें एक चीज हो रही है, जो रीच है वो रीच होता जा रहा है, और जो गरीब है वो क्या होता जा रहा है? गरीब होता जा रहा है। इधर जो है ना वो अब कुछ भी कह सकते बढ़ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बढ़ रहा है, इसलिए अब्रॉड में
फ्रेंचाइजी, जो कंज्यूमर फ्रेंचाइजी देखी आप चेन देखोगे वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूमर फ्रेंचाइजी में जाते हैं, ताकि जब मैन्युफैक्चरर के पास जब बनते हैं और ताकि हमारे तक आए तो ये जो बीच में का जो उनका जो पैसा है वो हमको स्ट्रेट आ जाए, या तो इनको इससे जो मुनाफा है उनका मुनाफा थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, समझ में आपको कंज्यूमर फ्रेंचाइजी, व्हाई कंज्यूमर फ्रेंचाइजी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमको क्या करना है, लोगों को क्या करना है, अमीर बनाना है, उनकी संपत्ति को बढ़ावा देना है। लेकिन ये संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, हमको ये क्वाड्रेंट में आना है बिजनेस, और हमको बिग बिजनेस और इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर फ्रेंचाइजी को समझना पड़ेगा। पावर ऑफ कंज्यूमर फ्रेंचाइजी क्या है, हम क्या कर सकते हैं कंज्यूमर फ्रेंचाइजी से, वो आपको पावर ऑफ कंज्यूमर फ्रेंचाइजी समझना पड़ेगा। आज किसान भी क्या कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग जो भी खेती में ले रहे हैं वो कंज्यूमर तक एक मार्केट में पहुंचा रहे, ताकि उनका पैसा, उनको प्रॉफिट जो रेशियो है वो आता रहेगा। अभी आप देखोगे कि जब यहाँ पे इन्वेस्टर है एक पैसा ऐसे आता है कि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ता है, और एक पैसा ऐसे आता है जो आपको प्रॉफिट के रेशियो में दे देना पड़ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है, जो एक पोर्शन है वो आपको फिर से नया बिजनेस करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ता है। अभी मैं पूछना चाहती हूँ, आप बीएचएसएल में जुड़े हो, सब लोग बीएचएसएल में जुड़े, कितने नए और कितने जुड़े हैं, कोई जुड़ा नहीं, फर्स्ट टाइम यू आर इन बीएचएसएल, फर्स्ट टाइम, कितने लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, कितने लोगों की, सबकी, मेरे खुद की भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, खुद की है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। अभी समझ लीजिए आपके पास जो आईडी है उसमें क्या लिखा है, बताएंगे आपको कार्ड पे क्या लिखा है, कंज्यूमर लिखा है और क्या लिखा है आपको, किस फॉर्म आईडी दिया, कंज्यूमर स्पॉन्सर लिखा है, और क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है, किसने बोला डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है, और क्या लिखा है, देखना पड़ेगा क्योंकि कार्ड हाथ में नहीं है, मोबाइल की तरह सिर्फ नंबर याद है, आईडी याद है सिर्फ, जब हम डीएक्सएम के साथ जुड़ते हैं हमने कुछ कैपिटल लगाया उसमें, आपको लगता है कैपिटल लगाया उसमें, कुछ पैसा लगाया आपने कि मैंने 5 लाख डिपॉजिट किया, या तो 5 लाख कैपिटल डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, मैंने मैन पावर कुछ मैनेजर बिठाए, कुछ आउटलेट्स किए, ऐसा कुछ किया आपने, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की, सिर्फ मेरा एक निर्णय मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा निर्णय ही मेरी इन्वेस्टमेंट थी, आई क्वाड्रेंट में आने के लिए जो आई बोले ना, वो खुद की इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, आई टुक द डिसीजन, मैंने डिसीजन लिया, मैंने निर्णय लिया कि मैं डीएक्सएल में काम करूंगी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि आप कंज्यूमर हो लेकिन मैं आपको कंज्यूमर फ्रेंचाइजी देता हूँ, मैं आपको क्या बनाता हूँ, पार्टनर बनाता हूँ। डॉक्टर लीन ने आपको कहा क्या आप कंज्यूमर हो मेरे, नहीं, उन्होंने जब कार्ड बनाए तब उन्होंने उसके ऊपर लिखा था डिस्ट्रीब्यूटर, डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का पावर समझिए, कंज्यूमर फ्रेंचाइजी का पावर समझिए। जब आप डीएक्सएल में कंज्यूमर के हिसाब से ज्वाइन हुए, आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी, यानी आपको क्या दिया, पार्टनरशिप दी,